A very good afternoon to all my lovely viewers. मैं हूँ आपका होस्ट अमन और आप देख रहे हैं वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आप हर रोज मेरे साथ इंग्लिश सीखते हैं उन वेज में जो कि फन है, इंटरेस्टिंग है, इफेक्टिव है और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उस अप्रोच के साथ इंग्लिश मेरे साथ सीखते हो जिस अप्रोच के साथ आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और किसी भी तरह के इंग्लिश के टेक्स्ट को आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार आई कैन हैंडल इट। चैनल पे नए हो तो उस आवाज़ को सुनते ही, सुनने से पहले ही आप इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आवाज़ आपके पास आने वाली है अगले 10 मिनट के अंदर आपके अंदर से इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज का फर्स्ट एडिटोरियल हम लेने वाले हैं व्हाट सूट्स ट्रंप। सेकंड एडिटोरियल भी बहुत अच्छा है अपने आप में, पर फर्स्ट वाला जो है ना थोड़ा सा सेकेंड वाले से इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर है। सेकेंड वाला इज बेस्ड ऑन क्रिकेट एंड फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कह रहा व्हाट सूट्स ट्रंप, थोड़ा सा अपने जूम इन कर लें। देखिए व्हाट का मतलब क्या, सूट जानते हैं ना आप, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ना तो आप कहते हैं मुझे सूट करती है, तो क्या अच्छा लगता है। ट्रंप बोल रहे हैं ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके लिए। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है अच्छा, ये कहना चाह रहा है, ये पूछ नहीं रहा है व्हाट सूट्स ट्रंप, ये एक्चुअली में क्या कह रहा है कि जो ट्रंप को लगता है अच्छा वही कर जाते हैं, वो जो उनकी इच्छा होती है वो वही करते हैं। तो व्हाट सूट्स ट्रंप डज इट, तो इस तरह से इसको इसने टाइटल को लिखा है। कह रहे थे यूएस प्रेसिडेंट वायलेटेड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स। तो ये यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रंप, आप इतना तो जान ही गए होंगे, इन्होंने क्या वायलेट कर दिया है। वायलेट करने का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने इस वर्ड को आपको बताया है, उल्लंघन करना किसी सीमा को, ये पर लिख दिया है मैंने, किसी सीमा को पार करना उसको कहते हैं वायलेट। तो ये इन्होंने उस लिमिट को कर दिया क्रॉस, वायलेट कर दिया है। किस चीज़ की लिमिट को, देखिए इसका सिनोनिम होता है ब्रीच करना, वायलेट का सिनोनिम है ब्रीच। अच्छा वो सीमा जो थी, लिमिट जो थी वो थी डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की। देखिए डिप्लोमेटिक क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं कूटनैतिक। अगर आप हिंदी नहीं समझते ना इतनी, तो आप ऐसा समझ लो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब बड़े बड़े लोग बात करते हैं ना, डिप्लोमेट्स या वहाँ के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो आपस में ना सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, उनकी बात में बड़े पैतरे होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं उनकी बात में, जैसे अपने आप को डोमिनेशन दिखाना, अपना दूसरे को कमज़ोर बनाना, अपनी बात को मनवाना, तो ये टैक्टिक्स ही है ना सारी की सारी, इनको कहते हैं डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स में, अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आपके कुछ बातचीत के नियम हैं, आप प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं उसको, कि मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ, आप दूसरे देश के प्रेसिडेंट हैं, अपने बातचीत का एक तरीका होगा, अपने पहले हाथ मिलाएंगे, फिर स्माइल देंगे, एक फ़ोटो लेंगे, फिर बैठेंगे अपने आमने सामने, तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक शिष्टाचार बोलते हैं इसको, व्यवहार के नियम होते हैं, रूल के, बिहेवियर्स के रूल होते हैं। तो इसने यूएस प्रेसिडेंट ने उनको वायलेट कर दिया उन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को, और कैसे किस तरह से वायलेट किया, इन टॉकिंग ऑफ, बात करते हुए या उस बात से, और बात क्या थी, मीडिएशन ऑन कश्मीर, कश्मीर के ऊपर मीडिएशन करने की। मीडिएशन क्या होता है, बीच बचाव, मध्यस्था बोलते हैं, बीच बचाव या इंटरवेंशन, आप इसको ब्रोकिंग भी बोल सकते हैं। ब्रोकर क्या करता है, दलाली करता है ना बीच में आकर के, तो ये जो दलाली करने का इन्होंने मीडिएशन जो है, ये बीच बचाव करने की जो बात की है कश्मीर पे, वो बात करके इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। कल का एडिटोरियल लेट था और जनरली अपने एडिटोरियल्स लेट ही होते हैं, दोपहर के बाद होते हैं, और कुछ लोगों को बड़ी कंप्लेन है मुझसे प्यार भरी कि सर आप जल्दी क्यों नहीं देते हो। तो यार मैं भी जल्दी दे सकता हूँ, सुबह 7 बजे उठ करके लाइव स्ट्रीम करके, पर ये जो एफर्ट्स देख रहे हो ना आप, ये जो डाले हैं अपन ने, ये एफर्ट्स किसके लिए हैं, बेस्ट जो वे है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो उससे हम चल रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट मैं परोसना चाहता हूँ आपको, क्वांटिटी नहीं देना चाहता हूँ कि यार चलो एक वीडियो दो वीडियो डाल दूँ मैं आपको दिन के अंदर समझाता रहूँ और आप समझो नहीं समझो आप सर सर करते रहो, तो वो चाहता नहीं हूँ मैं, आपको क्वालिटी कंटेंट परोसना चाहता हूँ मैं। तो वो सुबह 7 बजे लाइव स्ट्रीम ना करके, 8 बजे लाइव स्ट्रीम ना करके, थोड़े एफर्ट्स डाल करके इस तरीके से कि क्या मैं आज प्लान करूँगा, आपको क्या समझाऊँगा, कौन से वर्ड्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मुझे फोकस करना है, तो ये सब मैं, और प्लस एक जॉब भी करता हूँ मैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो इस सब के बीच में अपना जो है दोपहर हो जाती है। तो माइंड मत करना इसको, आप लर्निंग पे फोकस करो, बाकी तो आपको चैनल्स बहुत सारे हैं समझाने सिखाने के लिए, जिसका तरीका आपको पसंद में आता है यू आर द बेटर जज। तो कह रहा फेसिंग अ फ्यूरर, देखिए फेस करते हुए एक फ्यूरर को, फ्यूरर कौन होता है, क्या होता है, हंगामा, कोराम बोलते हैं ना हिंदी में, उसको फेस करते हुए, सामना करते हुए, कहाँ पे, अब देखिए सामना कौन कर रहा है ये भी इसने बताया नहीं है, अभी तो कह रहा है सामना करते हुए, अच्छा कहाँ पे करते हुए, अब ये बता रहा है, इन पार्लियामेंट, संसद में, अच्छा क्यों करते हुए, ओवर द इश्यू, एक मुद्दे पर, द इश्यू लगाया ना, प्रॉपर नाउन है, अब इश्यू कोई एक स्पेसिफिक की बात कर रहा है, क्या वो इश्यू अभी अपने देखेंगे आगे। तो सामना करते हुए संसद के अंदर
एक मुद्दे का। और क्या है, अब देखो आगे कह रहा है, द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड। अब देखिए यहां सबसे पहले इसने कोमा लगा के क्या बताया, ये सामना कर कौन रहा है, बात कर रहा है गवर्नमेंट की, सरकार ने। और सामना करते हुए इसने किया क्या हैज लगा के बता रहा है, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड मतलब साफ करना, एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज के ऊपर, साफ सफाई देना, उसको कहते हैं क्लैरिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने साफ किया है क्या, इन के अंदर नो अनसर्टेन टर्म्स। देखिए नो अनसर्टेन मतलब जो चीज अनसर्टेन नहीं है, नो भी लगा दिया और अनसर्टेन भी लगा दिया, डबल डबल नेगेटिव हो गया, मतलब आप यूँ समझ लो सर्टेन। जो चीज अनसर्टेन नहीं है वो चीज सर्टेन है, इसका सिनोनिम होता है अनइक्विवोकल। फिर आपको मैं बताऊंगा कभी इस वर्ड को, इसके रूट्स को, अनइक्विवोकल और नो अनसर्टेन एक ही बात है। तो कह रहा है गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया साफ साफ टर्म्स में, टर्म्स मतलब इस तरह से, किस तरीके से उसने क्लैरिफाई किया, उन बात वो बातचीत बताएगा आगे टर्म्स के लगा करके, दैट वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड नॉट रिक्वेस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है ना, उन्होंने डिड नॉट नहीं की थी रिक्वेस्ट, कोई भी उन्होंने रिक्वेस्ट अर्जी नहीं दी है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनको, किस काम के लिए, टू लगा के बता रहा है, टू मीडिएट और आर्बिट्रेट। देखिए मीडिएट तो मैंने आपको बता दिया, मीडिएटर बनना, बीच बचाव करना, और आर्बिट्रेट थोड़ा सा अलग होता है। मीडिएटर तो क्या बीच बचाव करता है, आर्बिट्रेट क्या करता है, पंचायती करने लग जाता है, वो बीच बचाव भी करेगा और साथ में अपना फैसला भी दे देगा। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर में ये फ़र्क होता है। तो ना तो उसने बोला कि आप बीच बचाव करो, दखलअंदाजी करो, और ना बोला आप आकर के करो पंचायती ऑन द कश्मीर इश्यू। देखिए द इश्यू कौन सी बात था, बात जो कर रहा था द इश्यू की, वो बात कर रहा था कश्मीर इश्यू की, इस कश्मीर के इश्यू पर, एज मिस्टर ट्रम्प क्लेम। देखिए कोमा लगा के कह रहा है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपको फिर से मैं बताऊंगा, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, अलग क्लॉज है। कह रहा है एज मिस्टर ट्रम्प क्लेम, जैसा कि मिस्टर ट्रम्प ने क्लेम किया ऑन मंडे सोमवार को। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से देख लें, तो पार्लियामेंट के अंदर एक मुद्दे पर, द इश्यू पर हंगामा को फेस करते हुए कोराम को गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि अनइक्विवोकल टर्म्स में बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ना तो दखलअंदाजी करने के लिए, ना पंचायती करने के लिए कश्मीर के इश्यू पर, जैसा कि ट्रंप ने क्लेम किया सोमवार को। उसने बोला कि हाँ मुझे कहा है इंडिया ने। कह रहा एड्रेसिंग पार्लियामेंट, एड्रेस तो आप जानते हैं ना, एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा होता है एड्रेस मतलब बातचीत करना, किसी को संबोधित करना हिंदी में बोलना। तो बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए, एड्रेस मतलब समझाते हुए पार्लियामेंट को, पूरी संसद को, कौन, अब ये कौन समझा रहा है, कोमा लगा के बताएगा आपको। मैंने बताया हमेशा कोमा टू कोमा और फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चलो, अगर आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो। तो बातचीत करते हुए अब नाम बताएगा आगे इनका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, अफेयर मतलब मुद्दे मामले, और मिनिस्टर आप जानते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब हमारे विदेश मंत्री हो गए ना ये। तो इन्होंने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, एस जयशंकर ने, जिनका नाम है, सेड, देखिए पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा क्या, इंडिया रिमेंस कमिटेड, इंडिया रिमेंस बनी रहती है कमिटेड, कमिटेड मतलब किसी वादे पे, कमिटमेंट पे बने रहना। तो कह रहा है इंडिया रिमेंस कमिटेड। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज़ किया इसने, ये बना रहता है, रिमेंस मतलब रहना, और एस लगा करके बता रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडिया बना हुआ है क्या, कमिटेड बना हुआ, वचनबद्ध है, इस वादे पे रहा रहता है, और वो वादा किस चीज़ का है, टू इट्स पॉलिसी ऑफ डिस्कसिंग, इसकी उस पॉलिसी पे, इसके उस नियम पे, रूल पे, जिसमें डिस्कस करना है, जिसमें इसको डिस्कस करना है क्या, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, उन सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज को। देखिए आउटस्टैंडिंग कौन होते हैं, जो चीज़ बाहर बच जाए ना, अलग रह जाए, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग बकाया। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा आउटस्टैंडिंग क्या होता है, वो सब बकाया मुद्दों पे, बकाया मामलों पे विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ओनली बाइलेटरली। देखिए बाइलेटरल मैंने आपको बताया ना कई बार, दो तरफा, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब पक्ष, तरफ, बाइलेटरल मतलब दो तरफा, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, मल्टीलेटरल मतलब कई तरफा। तो पाकिस्तान से हमेशा दो तरफा बातचीत के पॉलिसी पे इंडिया कमिटेड है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे, वो मुद्दों पे जो कि बाकी हैं, एंड अश्योर्ड। अब इन्हीं की बात कर रहे हैं जयशंकर जी ने, पहले तो इन्होंने कहा कि ये सैड, एक तो इन्होंने बताया और साथ में क्या किया, अश्योर किया। अश्योर क्या किया, द हाउस, ये अश्योर किया पूरे हाउस को, पूरे हाउस को उसने वादा जो है, इसने अश्योर करने का मतलब है भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाया वो ये कि दैट मिस्टर मोदी डिड नॉट रेज दिस विद मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर मोदी ने डिड नॉट रेज नहीं उठाया, रेज करना मतलब उठाना, आपको टीचर बोलते होंगे ना यदि ये सवाल है,
रेज योर हैंड्स, किस किस को मालूम है इस सवाल का जवाब? तो रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। नहीं उठाया इसको, दिस विद मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के साथ, एट देयर रिसेंट मीटिंग, उनकी रिसेंट मीटिंग के अंदर। देयर मतलब उन दोनों ने जो मीटिंग में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, इन ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में, ड्यूरिंग द G20 समिट। पिछले संडे को G20 समिट हुई थी ओसाका जापान में, वहां पे उस मीटिंग के दौरान नहीं उठाया। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी लाइन का मीनिंग फिर से बता देता हूँ। एड्रेस करते हुए पार्लियामेंट को विदेश मिनिस्टर जयशंकर ने बोला कि इंडिया बनी हुई है आज भी कमिटेड अपनी उस पॉलिसी के लिए, वादे पे अड़ी हुई है कि ये डिस्कस करेगी सब बकाया मुद्दों को पाकिस्तान से सिर्फ दो तरफा तरीके से, मतलब तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेगी। और भरोसा दिलाया पूरे हाउस को, पार्लियामेंट को, कि मोदी जी ने मिस्टर ट्रंप के साथ अपनी रिसेंट मीटिंग ओसाका जापान में जो हुई थी G20 समिट की, उसमें इस मुद्दे को रेज नहीं किया है। देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड आया है। आउटस्टैंडिंग के दो अच्छे जो जो मेन उसके जो है ना मीनिंग, वो दो ही होते हैं। पहला होता है बकाया और दूसरा होता है सबसे अच्छा सबसे अलग। अब आप कहोगे, क्योंकि कई बार मैंने आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब सबसे अच्छा सबसे अलग बताया, अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये दोनों इसके जो है मीनिंग है। आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ दो तरह के सेंटेंसेज में सेम वर्ड को। आई रिक्वेस्टेड टू बैंक टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग, मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे बैंक को कि क्लियर कर दो, साफ कर दो मेरे आउटस्टैंडिंग को, जो बकाया है ना ले लो, दे लो जो देना है ले लो, एंड क्लोज द अकाउंट, और अकाउंट को क्लोज कर दो। तो यहाँ पे मैंने इस आउटस्टैंडिंग को कैसे यूज़ किया है? बकाया के रूप में, बकाया की फॉर्म में। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसी आउटस्टैंडिंग को बैंक के साथ फिर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ देर आर मेनी बैंक्स इन द कंट्री, इस कंट्री के अंदर देश में बहुत सारे बैंक्स हैं, बट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द SBI आर आउटस्टैंडिंग। पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना SBI, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब सबसे अलग है, सबसे अच्छी है। तो दो तरीके से एक ही वर्ड को आप यूज़ कर सकते हो, एक्सपीरियंस के साथ और थोड़े से फोकस के साथ आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या वर्ड आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसने यूज़ किया बकाया, बकाया इश्यूज़ के लिए। आगे कह रहा है इन मेकिंग द क्लेम, इस क्लेम को दावे को बनाते हुए, मेक करना मतलब बनाना, और दावा क्या? दैट हैज़ बीन राउंडली डिनाइड। देखिए दावा वो दैट जो कि हैज़ बीन हो चुका है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कोई काम जो है हो भी गया है और अभी भी होना जारी है। और क्या हो चुका है? राउंडली डिनाइड। डिनाई करना मतलब मना करना, ये तो आप जानते हैं। और राउंडली क्या होता है? एकदम सीधे सीधे, जैसे आपको मैं लिख दूँ कोई सवाल, किसी सवाल का जवाब लिखूं और एकदम गलत हो, तो आप क्या करते हो? उसको राउंड कर देते हो ऐसे। अगर आप मेरे टीचर हो ना, आप वहीं पे गोला बना दोगे, यार ये तो बिल्कुल गलत है। तो राउंडली ऐसे यूज़ करते हैं आप इंग्लिश के अंदर, राउंडली डिनाई कर देते हो ना, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर सीधे सीधे गोला लगा देते हो कि यार ये तो नहीं है। अब राउंडली का आयरोनिकली स्क्वेयरली इसका सिनोनिम है। राउंड और स्क्वेयर जो है, सर्कल स्क्वेयर भले अलग अलग वो हो, पर स्क्वेयरली और राउंडली दोनों सिनोनिम है। स्क्वेयरली कैसे यूज़ करते हो? चारों तरफ से। आप जब स्क्वेयरली डिनाई करते हो ना किसी चीज़ को, तो आप क्या करते हो? ना तो ये सही है, ना ये बात सही है, ना ये बात सही है, ना ये बात सही है, मतलब पूरी की पूरी बात गलत है। तो स्क्वेयरली डिनाइड भी लिख सकता था यहाँ पे। तो राउंडली डिनाइड एंड स्क्वेयरली डिनाइड आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो ये कह रहा है ये क्लेम बनाते हुए, जो कि साफ साफ जिसको मना किया जा चुका है साफ साफ नई दिल्ली के द्वारा, नई दिल्ली ने जिसको साफ साफ कह दिया इस क्लेम को, मिस्टर ट्रंप ब्रीच सेवरल वेल लेड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स। मिस्टर ट्रंप ने क्या किया? ब्रीच किया। देखिए ऊपर मैंने बताया था आपको वॉयलेट, इसका सिनोनिम क्या था? ब्रीच। अब यहाँ पे वॉयलेट यूज़ करके ना करके यूज़ कर रहा है ये ब्रीच को। तो मिस्टर ट्रंप ने वॉयलेट किया, ये ब्रीच किया, पार किया, लांगा सेवरल, कई सारे ऐसे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स, मैंने आपको बताया था ना प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ऐसे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को जो कि हैं वेल लेड। वेल लेड क्या होते हैं? देखिए वेल मतलब अच्छा, लेड मतलब बिछाना, अच्छे से बने हुए या अच्छे से बिछे हुए, वेल फॉर्म्ड होता है ना इसका सिनोनिम होता है, बड़े अच्छे से बना रखा है जिनको, और सब जो है इसके ऊपर एग्री करते हैं उनको कहते हैं वेल लेड। तो ट्रंप ने कई वेल लेड डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को कर दिया ब्रीच। अब आगे कोमा लगा के बता रहा है क्या क्या, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है वन, एक ये अगेंस्ट। देखिए ये जो ब्रीच है ना, एक ब्रीच हमेशा अगेंस्ट होती है किसी भी चीज़ के, तो जिसमें एक ब्रीच के अंदर ये भी शामिल है, किसके खिलाफ हुई है ब्रीच? अगेंस्ट लगा के बताएगा, डिस्कसिंग प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशंस, डिस्कस करना कौन सी कॉन्वर्सेशंस को, कॉन्वर्सेशन होती है बातचीत, उन बातचीत को डिस्कस करना जो कि है प्रिविलेज्ड। देखिए प्रिविलेज क्या होता है आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिविलेज होता है खास राइट्स होते हैं ना कोई, मतलब जो आपको विशेषाधिकार बोलते हैं हिंदी में, अगर विशेषाधिकार नहीं समझते हो तो ऐसा समझ लो जो स्पेशल राइट्स मिलते हैं ना उनको बोलते हैं प्रिविलेज। जैसे आप कोई बड़े ऑफिसर हो
तो आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे, जैसे आप प्लेन के अंदर जो है जाकर के सवारी कर सकते हो, आप जो एयर इंडिया की, आपको प्रिविलेज मिली है क्योंकि आप ऑफिसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो आप जा सकते हो। तो ये प्रिविलेज होती है, प्रिविलेज का मतलब ये होता है। अब प्रिविलेज्ड कॉन्वर्सेशन क्या होती है? ऐसी बातचीत जो कि स्पेशल राइट्स वाले लोग ही कर सकते हैं, जैसे किसी देश के दो बड़े मुद्दों के ऊपर, जैसे ट्रेड इश्यूज हैं उसके ऊपर दोनों कंट्रीज के पीएम ही बात करेंगे, वो कॉन्वर्सेशन प्रिविलेज हो गई। ऐसा नहीं है इन दोनों देशों के कोई भी सिटीजन जाकर के आपस में बात कर लें कि चलो तुम ये माल भेज दो, हम यहाँ से ये आपको पेमेंट कर देंगे। हमेशा बातचीत करने वाले वहाँ के प्रिविलेज लोग होते हैं। तो प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन वो हैं जो खास राइट्स वाले लोग आपस में करते हैं। इन्होंने सबसे पहली ब्रीच ये की, डिस्कस कर दिया ऐसी प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन को, खास बातचीत को, विद अ लीडर, जो कि एक लीडर के साथ ये कर चुके थे। अच्छा, कहाँ डिस्कस किया? ड्यूरिंग अ पब्लिक कॉन्वर्सेशन, एक पब्लिक में बातचीत करते हुए, प्रेस रिलीज के अंदर। पब्लिक कॉन्वर्सेशन मतलब प्रेस के अंदर बातचीत करते हुए विद अनदर, दूसरे एक लीडर के साथ। तो मतलब एक लीडर से जो प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन की थी ना, वो दूसरे लीडर से सीक्रेट कॉन्वर्सेशन को कर दिया इन्होंने लीक। ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को इन्होंने ब्रीच किया। आगे कह रहा है मिस्टर ट्रंप ऑल्सो सेट, तो मिस्टर ट्रंप ने ऑल्सो साथ ही साथ सेट ये भी कहा, अ लॉट ऑफ हिज टास्क विद द टॉक्स विद द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारी उनकी जो टॉक्स है ना, जो बातचीत है विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के साथ, वुड फोकस, वो फोकस करेंगे। देखिए विल फोकस नहीं लगा रहा है यहाँ पे, वुड लगा रहा है। विल का मतलब क्या है? देखिए वुड और विल जो है दोनों यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है ये, पर विल ना लगा कर वुड लगाने का मतलब ये है कि अभी पक्का नहीं है। वुड फोकस, मैं टाइम देखूंगा, मौका देखूंगा और फिर फोकस करूंगा। हो सकता है उनका मूड ऐसा नहीं हो तो शायद फोकस ना भी कर पाऊं मैं। तो वुड फोकस मतलब कोशिश करूंगा फोकस करने की, होगा या नहीं होगा अभी विल नहीं लगा करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ पे फोकस करेंगे? ऑन इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर। आगे देखो कोमा लगा के कह रहा है, यहाँ तक आप समझ लो पहले। आगे कोमा लगा के क्या कह रहा है, ये जो चीज़ है ना, जो ये फोकस है इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर, ये क्या है? एन ऑड डिपार्चर फ्रॉम द परसेप्ट। देखिए ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है? अलग थलग। आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ना आपके कई बार, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, जो चार में से सबसे अलग है ऑड है उसको आप बताओ। तो ऑड वहां से आप याद रखो, अलग थलग। तो ये कह रहा है एन ऑड डिपार्चर, डिपार्चर क्या होती है? अलविदा। एक बड़ी अलग थलग सी डिपार्चर, अलविदा। कहाँ से? फ्रॉम द परसेप्ट, उस नज़रिए से, उस दृष्टिकोण से। और वो किस चीज़ का? ऑफ। ऑफ के बाद हमेशा आप जो है आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, पुटिंग, रखने का। बायलेटरल इश्यूज, ऐसे इश्यूज को जो कि बायलेटरल है। बायलेटरल आपको बताया था ना, दो तरफा, टू द फोर। फोर क्या होता है? आगे, सामने, पहले। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा फोर को। पहले आप इतना समझो कि ये जो ट्रंप ने बोला ना कि बहुत सारी बातचीत तो वो करेंगे प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान के, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान पे फोकस होगी, ये जो चीज़ है ना बड़ी और डिपार्चर है, बड़ी अलग थलग सी अलविदा है उस दृष्टिकोण से, उस नज़रिए से जिसमें रखा जाता है दो तरफा इश्यूज़ को। फोर आगे, मतलब दो तरफा इश्यूज़ को सबसे आगे रखते हैं। बात अब यहाँ पे पाकिस्तान और यूएस को करनी चाहिए आपस में एक दूसरे की, पर ये कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान की। और ये इस परसेप्शन से, इस नज़रिए से पुराने वाले से एक डिपार्चर ले लिए इन्होंने, नया कुछ करने वाले हैं। और किस चीज़ का? एंड बींग मोर डिस्क्रीट। देखिए बींग मतलब होना, मोर मतलब ज़्यादा, डिस्क्रीट क्या होता है? चौकन्ना, समझदार, ज़्यादा चौकन्ना या ज़्यादा समझदार होना। व्हेन डिस्कसिंग, जब डिस्कस करते हैं सेंसिटिव रिलेशंस, ऐसे रिश्तों को जो कि हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होते हैं? संवेदनशील, सॉफ्ट, इमोशनल। सेंसिटिव स्किन आप याद रखो, कुछ लोग कहते हैं ना यार मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव रिलेशंस को जब डिस्कस करते हैं इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल हैं अदर कंट्रीज। तो ये डिपार्चर और डिपार्चर है उस परसेप्शन से जिसमें पहले बायलेटरल इश्यूज को आगे रखा जाता था बजाय दूसरे देशों की बात करने के, और बड़े डिस्क्रीट होकर के बात करते थे, डिस्कस करते थे उन रिलेशंस को, सेंसिटिव रिलेशंस को जिसमें दूसरे देश शामिल होते हैं। तो वहाँ से इन्होंने डिपार्चर ले ली, अलविदा कर दी है। फोर न्यू दिल्ली, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था फोर को। फोर एक रूट है, इसका मतलब होता है आगे वाला, पहले वाला। जैसे इस रूट से अब मैं आपको अलग वर्ड बताता हूँ दूसरे बने हुए, फोरटेल। फोरटेल क्या होता है? फोरकास्ट, मतलब आपने भविष्यवाणी कर दी। फोर मतलब आगे का, टेल मतलब बता दिया, आगे का बता देना, फोरटेल। वैसे एक वर्ड होता है फोर क्लोज, आप किसी लोन को टाइम से पहले ही जा करके जमा करवा देते हो ना, आपने इंस्टॉलमेंट बनवाई थी,
पर बैंक के पास आप पहले चले गए, बोले लाओ 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 मेरा लोन बंद करो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि लोन बंद हो गया, तो आप कहते हो फोर क्लोज, टाइम से पहले बंद कर देना। इसी तरह फोर रनर, जो चीज़ या जो आदमी सबसे आगे चलता है उसको कहते हैं फोर रनर, जो इशू सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको कहते हैं फोर रनर। तो इस फोर से है ना कई सारे वर्ड्स इस तरह से निकल करके आते हैं। चलिए आगे कह रहा है, फोर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के लिए, इट मे बी टाइम, अब ये समय आ गया है, अब वक्त आ गया है नई दिल्ली के लिए, किस काम के लिए, टू उस काम के लिए कि रिकॉग्नाइज, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, इस चीज़ को पहचाने, दैट वो ये कि मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट्स, जो मिस्टर ट्रम्प के कमेंट्स है ना, आर वो ये हैं अ साइन, एक निशान, वो क्या है निशान, ऑफ, ऑफ लगा के बताएगा, न्यू रियलिटीज, नई वास्तविक वास्तविकता, हकीकत। रियलिटी क्या होती है, जो चीज़ रियल हो, हकीकत हो। मेयर मिस्टर ट्रम्प के जो कमेंट है, जो वो उन्होंने अभी भी टिप्पणियाँ दी हैं, वो साइन है, वो निशान है हकीकत का, नई हकीकतों का, इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल, अभी जो डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया था। तो ये नया टाइम आ गया दिल्ली के लिए, टाइम आ गया कि वो पहचाने, मिस्टर ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो एक नई हकीकत है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, निशान है उसका। अब वो क्या है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की नई हकीकत, अब देखिए कोमा लगा के बताएगा, वेयर, जहाँ पे लीडर्स, नेता केयरलेस, कम केयर करते हैं, केयरलेस मतलब ज़्यादा जो है केयर नहीं करते हैं अबाउट, किसके बारे में, नाइसिटीज़। देखिए नाइसिटी क्या होती है, अच्छी अच्छी बात करना, शिष्टाचार करना, उसको बोलते हैं नाइसिटी, एटिक्वेट के साथ बातचीत करना, नाइस से बना है नाइसिटीज़। तो जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करने को अब लीडर जो है उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, अच्छी अच्छी बात करें हम, और ज़्यादा किसके करते हैं, एंड मोर अबाउट, और ज़्यादा अबाउट किसके बारे में, ओपन कम्युनिकेशन, खुला बातचीत। तो अब खुली बातचीत में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, बजाय नाइसिटीज़ की, अच्छी अच्छी बात करने की। ये है नई रियलिटी, नई हकीकत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। कह रहे हैं मिस्टर मोदी विल हैव टू, देखिए मिस्टर मोदी को विल करना ही पड़ेगा, हैव टू मतलब करना ही पड़ेगा, विल मतलब आगे की बात कर रहा है, क्या, प्रिपेयर, प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, तैयार करना, मिस्टर मोदी को तैयार करना या तैयार होना ही पड़ेगा, अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मतलब उसी तरह से, सूटेबली, किस लिए, फॉर सम प्लेन स्पीकिंग, कुछ, सम मतलब कुछ, और प्लेन स्पीकिंग, प्लेन स्पीकिंग क्या होता है, प्लेन मतलब साफ सीधा, और स्पीक मतलब बात करना, साफ साफ बात करने को कहते हैं प्लेन स्पीकिंग। इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है प्लेन स्पीकिंग का, हालांकि ये वन वर्ड ही है, पर ये जो है ना बड़ा मैं यूं बोलूँ आपको, लिखने के अंदर नहीं आता है प्लेन स्पीकिंग, इसका एक बहुत अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्पीक क्लियरली, उसको क्या बोलोगे आप वन वर्ड में, बताएं मुझे आप कमेंट्स में अगर आपको मालूम हो तो। तो मिस्टर मोदी को भी तैयार होना पड़ेगा कुछ प्लेन स्पीकिंग के लिए, साफ साफ बात करने के लिए, व्हेन, जब ही विजिट्स, वो विजिट करेंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही विजिट्स, पर आप बोलोगे यार ये विजिट करेंगे और विजिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों, ऐसा ही यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को, यहाँ पे यूं भी लिख सकता था ही विल विजिट, पर अब यहाँ ही विजिट्स का मतलब है विजिट हो चुकी है, फाइनल करना ही करना है इन्होंने, जब वो विजिट करेंगे द यूएस, अमेरिका की, एंड मीट्स, और मिलेंगे मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प से, कोमा लगा के कह रहा है, एज ही इज एक्सपेक्टेड टू, जैसा कि उनसे एक्सपेक्टेड है, इन सितंबर दिस ईयर, इस साल सितंबर के अंदर। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर मैं क्लियर करूँगा कितने लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, पहले मुझे ये पता लगे, ही इज एक्सपेक्टेड और ही एक्सपेक्टेड, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, आपको एक बेसिक डिफरेंस है, बेसिक ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे एज ही इज एक्सपेक्टेड लिखा है, उसको ना लिख करके आप यूँ लिखो एज ही एक्सपेक्टेड, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, ये आपको बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ही इज एक्सपेक्टेड टू की जगह ही एक्सपेक्टेड लिखा होता तो क्या फ़र्क होता इन दोनों के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कभी। इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, गवर्नमेंट का जो फैसला है, टू किस काम के लिए, एड्रेस, एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, द क्लेम उस दावे को बाय मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प के द्वारा, बाय लगा के बता रहा है, जो दावा किया मिस्टर ट्रम्प ने, विल हैव निप्ट एनी रिपरकशंस इन द बड। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज आया है निप्ट इन द बड, निप्ट एनी रिपरकशंस इन द बड, तो ये निप्ट इन द वर्ड है ना, ये एक ही फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए निप होता है आप किसी चीज़ को हाथ में ले लेते हो ना अपनी दो उंगलियों के बीच और दबा देते हो, उसको कहते हैं निप करना, और बड क्या होता है, जब एक नया नया फूल खिलता है ना उसको कहते हैं कली को, उसको कहते हैं बड। जब आप किसी कली को ही हाथ में पकड़ के दबा दोगे ना तो फूल कभी भी जो है निकलेगा नहीं, तो निप इन द बड का मतलब भी यही होता है, शुरुआत में ही, शुरू होने से पहले ही चीज़ों को ख़त्म कर देना,
जनरली खराब हैबिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं निप इन द बर्ड, या ऐसी कोई चीज़ जो आगे परेशान करने वाली है आपको, उसके लिए आप यूज़ करते हैं निप इन द बर्ड। तो इसने वही बोला है, निप इन द बर्ड एनी रिपरकशंस। किसको निप इन द बर्ड करना है, किसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना है, कोई भी रिपरकशंस को। रिपरकशंस क्या होते हैं, ऐसे रिजल्ट्स जो बड़े आगे तक निकल करके आए किसी चीज़ के, इनडायरेक्टली बहुत आगे तक निकल कर चले जाए ना, उसको कहते हैं रिपरकशंस। तो निप इन द बर्ड में निप इन द बर्ड कर देंगे, शुरू होने से पहले कर देंगे ऐसे किसी रिजल्ट को जो बड़े आगे आने वाला है मिस्टर ट्रम्प के क्लेम के द्वारा, जो मिस्टर ट्रम्प ने क्लेम किया और ये गवर्नमेंट का डिसीजन है ना इस क्लेम को एड्रेस करने का, शॉर्ट टर्म में ये काम होने वाला है। अब एक प्रो टिप देता हूँ मैं आपको यहाँ पे छोटी सी, निप इन द बर्ड को कुछ लोग लिख देते हैं निप एट द बर्ड। देखिए सम पीपल रॉन्गली से निप एट द बर्ड, और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है एरर करेक्शन के अंदर, निप इन द बर्ड को निप एट द बर्ड लिखा होगा, वहाँ देखते ही आपको समझ जाना है कि निप एट द बर्ड नहीं होता, निप इन द बर्ड होता है। कह रहे द गवर्नमेंट शुड परस्यू, गवर्नमेंट को शुड करना ही चाहिए परस्यू, परस्यू करना मैंने आपको बताया था ना, परस्यूट ख्वाहिश, परस्यू मतलब ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ का पीछा करना, द इश्यू इस मुद्दे को थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा, चैनल मतलब रास्ता, गवर्नमेंट को इस इश्यू को जो है ना इसका पीछा करना चाहिए इस मुद्दे का डिप्लोमेटिक चैनल से, विद यूएस अमेरिका, अमेरिका के साथ, यूएस के साथ गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट के साथ, एंड क्या करना चाहिए और डिटरमिन वेदर। देखिए डिटरमिन मतलब फैसला करना, डिसाइड करना, पक्का करना, इस चीज़ को फैसला करना चाहिए या पक्का करना चाहिए, वेदर हाँ कहना, मिस्टर ट्रम्प मेड द कमेंट्स, मिस्टर ट्रम्प ने मेड बनाए इन कमेंट को, मिस्टर ट्रम्प ने ये जो एक्सपर्ट कमेंट दिए हैं आउट ऑफ कन्फ्यूजन और डेलिबरेटली। तो या तो उन्होंने दिया आउट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के अंदर, आउट ऑफ कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर आकर के दिए इन्होंने, और या डेलिबरेटली, डेलिबरेटली क्या होती है, जानबूझ करके कोई चीज़ करते हो ना आप, उसको बोलते हैं डेलिबरेटेड। डेलिबरेट का मतलब देखिए, डेलिबरेट से एक दूसरा वर्ड निकला डेलिबरेशन, डेलिबरेशन क्या होता है, हिंदी बोलते हैं उसको मंत्रणा, जो चीज़ आप बड़ी सोच समझ कर कोई बातचीत करते हो, मीटिंग करते हो ना किसी के साथ, उसको बोलते हैं डेलिबरेशन। तो डेलिबरेट एंड डेलिबरेशन। तो ये कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प से इंडिया को क्या है, इस मुद्दे को कैसे परस्यू करना है, इसके पीछे कैसे लगना है, डिप्लोमेटिक चैनल से, डिप्लोमेटिक रास्ते से इसके पीछे लगे अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ, और साथ में क्या करें, डिटरमिन करें कि हाँ के ना मिस्टर ट्रम्प ने इन कमेंट को बनाया कन्फ्यूजन के अंदर या डेलिब्रेटली जानबूझ करके। आगे कह रहा है इंडिया हैज़ ऑलवेज अपोज्ड, इंडिया ने ऑलवेज हमेशा से अपोज किया, अपोज करना मतलब विरोध करना, किसी चीज़ के खिलाफ रहना, हमेशा से खिलाफ रहा इंडिया, एनी सजेशन किसी भी सुझाव के लिए, और वो किस चीज़ का, ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएशन, तीसरी पार्टी के बीच बचाव का, मतलब तीसरी पार्टी की दखल का हमेशा से अपोज किया इंडिया ने ऑन जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर पे। आगे कॉलम लगा क्या कह रहा है, बोथ द 1972 शिमला एग्रीमेंट एंड 1999 लाहौर डिक्लेरेशन। तो इन दोनों के दोनों एग्रीमेंट की बात कर रहा है, 72 के अंदर शिमला में हुआ था और 1999 के अंदर लाहौर में हुआ था, इंक्लूडेड इनमें शामिल था, इन दोनों में क्या शामिल था, इंक्लूडेड इंडिया एंड पाकिस्तान्स कमिटमेंट, इंडिया और पाक का कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब वादा, किसके लिए, टू रिजोल्विंग इश्यूज, उन मुद्दों को रिजोल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए, रिजोल्व मतलब रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, रिजोल्यूशन करना है इस इश्यू का, इस प्रॉब्लम का, सुलझाने के लिए उन इश्यूज को, बिटवीन देम उन दोनों के बीच में। तो मतलब दोनों ने कमिट किया था इन दोनों के अंदर, दोनों के दोनों एग्रीमेंट्स के अंदर, कि हम जो अपने इश्यूज हैं वो खुद रिजोल्व करेंगे दोनों आपस में बातचीत करके, और इस तरह से इंडिया हमेशा से अपोज करता आया है किसी भी सजेशन को तीसरी पार्टी के बीच में, मेडिएशन के या पंचायती के। कह रहा है इट इज़ अनलाइकली, अनलाइकली मतलब जो चीज़ नहीं हो सकती, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ अनलाइकली मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्या ये चीज़ लाइकली क्या नहीं है, दैट वो ये कि मिस्टर मोदी वुड हैव स्पोकन, मिस्टर मोदी ने वुड हैव बोल चुके होंगे, वुड हैव स्पोकन मतलब बोला होगा या वो बोल चुके होंगे, आउट ऑफ लाइन। देखिए आउट ऑफ लाइन मतलब आउट मतलब बाहर, लाइन मतलब रेखा या पंक्ति या कोई कतार, तो मतलब एक्चुअल में लाइन को जिसने यूज़ किया वो किया रास्ते के लिए, मिस्टर मोदी ने रास्ते से बाहर जाकर के बोला होगा, लाइन मतलब रास्ता, उस रास्ते से परे होकर के बोला होगा, विद दिस पॉलिसी इस पॉलिसी के, ये जो पॉलिसी है ना तीसरी पार्टी को इंक्लूड नहीं करना है बीच में, इस पॉलिसी से परे जाकर के बोला होगा, ये बड़ा अनलाइकली है, मिस्टर मोदी ऐसा नहीं कर सकते। आगे कह रहा है एंड द मोस्ट चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन, और सबसे ज़्यादा द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, साफ साफ कोई चीज़ की आप जो सफाई साफ सफाई देते हो ना उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, और चैरिटेबल क्या होती है, ऐसी चीज़ जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जनरसिटी हो, जैसे आप चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हो,
मतलब आप लोगों को, लोगों पे बड़प्पन के लिए वो ट्रस्ट चला रहे हो, आप चैरिटी करोगे उसके अंदर, आप लोगों को समझोगे, लोगों को प्यार दोगे, लोगों को पैसा दोगे, हेल्प करोगे लोगों की, तो चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन कौन सी होगी? ऐसी जिस एक्सप्लेनेशन जिसको आप समझो, जिसमें आपकी सिंपथी हो और बहुत जनरसिटी हो। तो मोस्ट चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन ट्रंप के न्यू कंटेंशन की। ट्रंप ने अभी भी जो आर्ग्यूमेंट दिया, कंटेंशन दिया, स्टेटमेंट दिया, कंटेंशन मतलब जो आर्ग्यूमेंट दिया, तो उसकी सबसे अच्छी, सबसे साफ साफ, सबसे बड़प्पन वाली एक्सप्लेनेशन वो ये हो सकती है, इज वो ये कि दैट ही मिसटुक, उसने मिस्टेक किया। मिसटुक मतलब गलत लेना, मिसटेक से ही बना है उसकी सेकंड फॉर्म मिसटुक। उसने मिस मतलब गलत, टुक मतलब लिया, उसने गलती कर दी। क्या? इंडियाज अपील। उसने गलती से क्या ले लिया? इंडिया की अपील को, इंडिया की अर्जी को टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि उसने की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंडिया ने इंटरनेशनल समुदाय को, पूरी दुनिया भर के जो है कम्युनिटी को, किस काम के लिए? टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल, जिसमें उसने कहा था कि होल्ड बनाएं पाकिस्तान को अकाउंटेबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर ग्रुप्स ऑन इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी पे, सॉइल पे जो टेरर ग्रुप्स हैं, आतंकवादी जो संगठन हैं उनके ऊपर, दैट कैरी आउट अटैक्स इन कश्मीर, जो कि दैट कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट करना मतलब किसी काम को अंजाम देना, अटैक्स हमलों को कश्मीर के अंदर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अपने को समझना पड़ेगा, इंडिया की अपील थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान को जिम्मेदार होल्ड करें, अकाउंटेबल बनाने की, कि वो जो टेरर ग्रुप चलाता है अपने सोइल के ऊपर, या उसकी सोइल पे टेरर ग्रुप जो चलते हैं, जो कि कैरी आउट करते हैं अटैक्स कश्मीर में, इस अपील को उसने ना मिसटुक किया, उसने गलत तरीके से ले लिया है। कैसे? फॉर अ जनरल डिज़ायर फॉर मेडिएशन, एक जनरल, साफ साफ, जनरल मतलब सीधा सीधा, डिज़ायर होती ख्वाहिश फॉर मीडिएशन, बीच बचाव की। इसको इसने सोच लिया कि बीच बचाव की ख्वाहिश है इंडिया की, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप जो अकाउंटेबल बनाओ, तो इसने गलत ले लिया इंडिया की अपील को। कह रहा मिस्टर ट्रम्प्स कमेंट इन मार्च, तो मिस्टर ट्रम्प का जो कमेंट था ना मार्च के अंदर, दैट वो ये कि दैट यूएस सक्सेसफुली मीडिएटेड, कि अमेरिका ने सक्सेसफुली, कामयाबी से मीडिएट किया, बीच बचाव किया फॉर द रिलीज ऑफ, रिलीज के लिए, रिहाई के लिए किसकी? कैप्चर्ड फाइटर पायलट अभिनंदन, जो अभिनंदन कुमार थे, जो कि कैप्चर्ड थे, कैप्चर मतलब पकड़े गए, और फाइटर पायलट, एक पायलट, एक फाइटर प्लेन के पायलट थे अभिनंदन कुमार, बाय पाकिस्तान। रिहाई किसने की? पाकिस्तान ने। कह रहे मे हैव इवन गिवन हिम सम होप, मे हैव हो सकता है, इवन यहाँ तक कि गिवन इसने दी हो, मे हैव इवन गिवन हिम, उसने यहाँ तक कि ये दी हो सकता है ऐसा, सम होप, कुछ होप, दैट वो ये कि, पूरा सेंटेंस अपने फिर से देखेंगे, वो ये कि द यूएस कुड प्ले अ लार्जर रोल, कि यूएस एक बड़ा रोल को प्ले कर सकता है, यूएस कुड प्ले अ लार्जर रोल, बड़े रोल को ऑन द कश्मीर इशू। अब देखिए यहाँ से अपने यहाँ तक देख लेते हैं, तक क्योंकि सेंटेंस बहुत लंबा होता जा रहा है। कह रहे हैं मिस्टर ट्रंप के कमेंट जो मार्च में थे कि यूएस ने, अमरीका ने बड़ी कामयाबी से बीच बचाव किया उसकी रिहाई में, किसकी? ऐसे कैप्चर्ड, पकड़े गए फाइटर पायलट की, अभिनंदन कुमार जिनका नाम था, और रिहाई कहाँ से करवाई इसने? बाय पाकिस्तान। मे हैव, इसने क्या है, इस रिहाई ने, इस कमेंट ने, मे हैव गिवन हिम सम होप, उसको कुछ होप दी होगी, क्या? दैट वो ये कि यूएस, अमेरिका कुड कर सकता है प्ले, निभा एक बड़ा रोल को कश्मीर के इश्यू पर, एंड न्यू दिल्ली वुड नीड टू एड्रेस दैट, और नई दिल्ली को ना वुड होगी नीड, जरूरत टू एड्रेस दैट, इसको एड्रेस करने की। ये जो गलत चीज़ लेकर के बैठा है ना वो, ये आशा जो गलत होप लेकर के बैठा है कि वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है कश्मीर इशू पे भी, क्योंकि उसने अभिनंदन कुमार को रिलीज कराने में पंचायती की थी, इस चीज़ को इंडिया को एड्रेस करना पड़ेगा यूएस के साथ। आगे कह रहा है अ मोर वरिंग प्रोपोजिशन, यहाँ से थोड़ा ईजी है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ईजी टेक्स्ट को अपने को फटाफट प्रोसेस करना आना चाहिए। कह रहा है अ मोर, और ज़्यादा, वरिंग, वरिंग मतलब जो चीज़ आपको वरी करे, जो आपको चिंता दे, और ज़्यादा चिंता वाली प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जिससे निपटने की ज़रूरत हो। प्रोपोजिशन बना है प्रोपोज से, अब प्रोपोज से यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन प्रोपोजिशन का सीधा सीधा नहीं बनता है, पर ये बना वर्ड प्रोपोज से ही एक्चुअल में। तो कह रहा है एक और ज़्यादा चिंता वाली प्रोपोजिशन ये, प्रोपोजिशन ऐसा समझ लो सिचुएशन है, जो कि वो ये है, इज दैट मिस्टर ट्रंप टुक द लाइन, कि मिस्टर ट्रंप ने टुक द लाइन, रास्ता पकड़ लिया, कौन सा रास्ता पकड़ लिया? फेवर्ड बाय हिज पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स, जिसको फेवर किया जाता है, जो पसंदीदा है हिज, उसके पाकिस्तानी, पाकिस्तान के ऊपर इंटरलोक्यूटर्स। इंटरलोक्यूटर कौन होते हैं? देखिए इंटर मतलब बीच में, लोक्यूट मतलब बातचीत, जो बीच में बातचीत करे मतलब जो सलाह दे, इंटरलोक्यूटर कौन है? सलाहकार, जो आपको बीच में सजेशंस दे, जो उसके पाकिस्तानी
इंटरलोक्यूटर से फेवर करते हैं जो उनका पसंदीदा है ऑन कश्मीर, कश्मीर के ऊपर एज अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा चिंता वाली सिचुएशन ये है कि मिस्टर ट्रंप ने वही रास्ता पकड़ लिया है जो पसंदीदा है उसके पाकिस्तान में, पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स का, पाकिस्तान के सलाहकारों का कश्मीर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे जो पाकिस्तानी जो सलाहकार है ना जिस जिस टोन में बात करते हैं उसी टोन को उसने पकड़ लिया है। किस लिए? एज अ वे ऑफ, इस काम के लिए या इस रास्ते के रूप में। क्या रास्ता? इन्हेंसिंग हिज ओन प्लान्स, अपने खुद के प्लान्स को इन्हेंस करने का। इन्हेंस करना मतलब और अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, अपने खुद के प्लान्स को आगे बढ़ाने का। फॉर अ पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, एक पुल आउट के लिए। पुल आउट मतलब देखिए, पुल मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर, हाथ बाहर खींचने का अफगानिस्तान से। अभी अफगानिस्तान से वो अपनी फौज पूरी की पूरी निकाल रहे हैं, तो उसका जो प्लान है ना अफगानिस्तान से फौज निकालने का, उस प्लान को इन्हेंस करना विद पाकिस्तान हेल्प, पाकिस्तान की हेल्प के साथ, ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर, एंड टॉक्स विद तालिबान, तालिबान के साथ बातचीत। तो ये पाकिस्तान की हेल्प लेना चाहता है सिक्योरिटी के लिए और तालिबान से बातचीत के लिए, अपने इस प्लान को पुल आउट का, जो अफगानिस्तान से उसकी सेना को बाहर निकालने का, उसको इन्हांस कर करना चाहता है। और ये कैसे ले रहा है? ये उसी लाइन को पकड़ रहा है जो कि फेवर करते हैं, जो पसंद करते हैं इसके पाकिस्तानी सलाहकार कश्मीर मुद्दे पे। तो ये बड़ी वरिंग, बड़ी चिंताजनक बात है, प्रोपोजिशन है, सिचुएशन है। आगे कह रहा है, वाइल द डैमेज फ्रॉम मिस्टर ट्रम्प्स, वाइल जबकि डैमेज चोट मिस्टर ट्रम्प के वर्ड से, शब्दों से, मे नॉट हैव, नहीं होगी, मे नॉट हैव मतलब नहीं देगी, अ वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट। मे नॉट हैव मतलब, मे मतलब हो सकता है, नॉट मतलब नहीं, हैव मतलब होना, नहीं होगा इससे, हो सकता है ना हो, अ वेरी बहुत ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट, ऐसा इफेक्ट, ऐसा असर जो कि हो लास्टिंग, लास्टिंग मतलब लंबे टाइम तक रहने वाला। आपने एक वर्ड सुना होगा लॉन्ग लास्टिंग, ये घड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक चलेगी, तो लास्टिंग मतलब चलने वाला लंबे टाइम तक। तो हो सकता है कि ट्रंप के जो जो वर्ड्स है ना वो डैमेज नहीं करेंगे बड़े लंबे टाइम तक ऑन इंडिया यूएस टाइस, टाई मतलब रिश्ते, इंडिया और यूएस के रिश्तों को। आगे कोमा लगा क्या कह रहा है? दैट फ्रॉम एनी रस्ट मेजर्स टू फोर्स ए रिजोल्यूशन। देखिए यहाँ तक अपने देख लिया कि ये तो हो सकता है ज़्यादा डैमेज ना करें, पर दैट फ्रॉम एनी रस्ट मेजर्स, पर किसी रस्ट मेजर से, मेजर होते हैं कदम और रस्ट होते हैं जल्दबाजी वाला, जल्दबाजी वाले कदम से, दैट फ्रॉम, देखिए दैट फ्रॉम करके क्या क्या कहना चाह रहा है, ये डैमेज की बात कर रहा है, ये एक्चुअल में कह रहा है कि डैमेज इनसे तो नहीं होगी पर उनसे जरूर होगी। दैट फ्रॉम डैमेज उनसे, फ्रॉम किन से, एनी रस्ट, यहाँ दैट का मतलब है डैमेज की बात कर रहा है, ये डैमेज उससे होगी, कोई भी रस्ट मेजर अगर इसने लिया, अमेरिका ने कोई भी जल्दबाजी में कदम लिया टू फोर्स, थोपने का, फोर्स करने का, जबरदस्ती लगाने का, अ रिजोल्यूशन, एक समाधान को, एक सुलझाव को, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, विल हैव फार रीचिंग एंड लास्टिंग इम्पैक्ट। विल हैव उसके होंगे, विल मतलब होगा, हैव आगे आप जानते हैं, फार रीचिंग, फार रीचिंग मतलब आगे तक बढ़ने वाला, आगे तक पहुंचने वाला, फार रीचिंग बहुत आगे तक बढ़ने वाले, एंड लास्टिंग बहुत लंबे समय तक रहने वाले इम्पैक्ट्स उसके होने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑन इंडिया, जिसमें शामिल है इंडिया भी। तो मैं फिर से अब लास्ट वाला यहाँ से यहाँ तक का आपको बताता हूँ कि ये तो कह रहा है कि इसके तो ट्रंप के जो जो वर्ड्स है ना कोई बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाले नहीं है इंडिया और यूएस के टाइज के ऊपर, अभी अभी जो उसने वर्ड्स किए हैं। पर कोई अगर उसने ऐसे जल्दबाजी में कदम उठा लिए जो कि फोर्स करेंगे, थोप देंगे अफगानिस्तान में एक रिजोल्यूशन को, जो कि ये बाहर निकल रहा है, अफगानिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, वो सारे के सारे कदम है ना वो बहुत, दैट फ्रॉम उनसे जो डैमेज होगी ना वो बड़ी फार रीचिंग होगी, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होगी, और उस डैमेज के अंदर इंडिया भी जो है इंक्लूड होगा, शामिल होगा। चलिए इसी के साथ, ये थोड़ा सिंपल एडिटोरियल था इसलिए थोड़ा फास्ट लिया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी कमी रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में एड्रेस करेंगे अपने उस कमी को, एड्रेस को अपने ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड को, आप मुझे कुछ बताएं मैं उसको एड्रेस करूंगा। तो कमेंट्स में बिंदास लिखे, एक दो दिन से कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आज मेरा प्लान है कि शाम को बैठ करके सभी कमेंट्स को पढ़ करके उनका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो कमेंट्स में मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, और भी कुछ हो आपके मन में हो तो बताया करें मुझे, डेमोक्रेसी है, सबकी बात सुनेंगे और सबको जो अच्छा लगेगा वही चैनल पे करेंगे। फिर मुलाकात होगी कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ, तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर एंड योर होस्ट अमन इज साइनिंग आउट।